दार्जिले के मनावर के समीप ग्राम सिंगाना में एक स्कूल का मध्याह्न भोजन को लेकर मामला एक बार फिर सामने आया है। आपको बता दें कि सूची के अनुसार भोजन की थाली से कभी सलाद गायब तो कभी हलवा तो कभी आलू मटर की सब्जी और मूंग बड़ी जैसी चीजें गायब करते हैं। भोजन बनाने वाला समूह मध्याह्न भोजन बनाने वाला समूह शिवराज मामा के भांजे और भांजियों को सही भोजन बनाकर देने में असमर्थ है। 160 बच्चों के लिए मंगलवार को खीर और पूरी बनाई, जिसमें 4 लीटर दूध से खीर बनाकर बच्चों को खिलाई जा रही थी। सिर्फ खीर पूरी सही बच्चों का भोजन आज स्कूल में करवाया गया, बाकी मेनू अनुसार के भोजन के व्यंजन उनकी थाली से गायब कर दिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी और समूह के सदस्यों में से कौन जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद से जागकर इन मासूमों के भोजन की थाली में फिर से हलवा ला पाएगा या नहीं। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। आपका नाम? बापू सिंह। जो आज मध्याह्न भोजन में क्या क्या खाना में बना है? आज मध्याह्न भोजन में खीर और पूड़ी बनाई हुई है। सर, इसमें तो नियम है कि हलवा भी है और मिक्स सब्जी है। हमने उस 100 समूह वाले को बोल रखा है, उनको मैसेज भी डाल रखा है कि आज का मेन्यू क्या है वो बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने आज नहीं बनाया। सर, इसमें क्या क्या है मेनू में आपका, आपके नॉलेज से? खीर, पूड़ी, हलवा और मिक्स सब्जी है, आलू टमाटर। आप यहाँ के कौन हो? मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.